देखो ये सत्ताधारी लोग, ये कुर्सी पर बैठे लोग हैं जो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। जो बोलेगा कि नारियों को ताड़ना है उसके तो काउंटर करेंगे, उसको तो हम मारेंगे संवैधानिक तौर पर, सहेंगे नहीं। हमको सीधा, हमको योगी आदित्यनाथ ना समझाए कि ताड़न का मतलब क्या है। हमारा हिंदी का और संस्कृत का टीचर तो ना बने वो। ओबीसी लोग और अतिशूद्र आज के SC ST लोग, आदिवासी और SC लोग, अगर वेदों का सुन भी लिया, लोगों ने चैंट कर लिया, मुंह से उसको बड़बड़ा दिया या देख लिया उनकी वो, तो उनकी आंखों, ये मैं नहीं बोल रहा, उनके कानों में पिघलाकर शीशा डला दिया जाए। पूरा इंसानियत के खिलाफ चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ के बहुत तबके लोगों के खिलाफ चीजें लिखी गई हैं। या तो तुम चाह रहे हो कि 10% लोग हिंदू राष्ट्र बना दें, ये तो कभी नहीं होने देंगे। जो ये लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, इवन मतलब सारे लोग जितने, ये लोग कहते हैं कि मस्जिद के अंदर मंदिर है, हम कहते हैं कि मंदिर को भी खुदवा, उसके अंदर बुद्ध निकलेगा, ये गारंटी है। नमस्कार, मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आशुतोष जी। हम आपको बता दें कि आज दिवाली है, लोग जहां दिवाली मना रहे हैं वहां दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दीपदान भी किया जाता है, आज ही के दिन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, बताइए सर। देखो जो दीपदान उत्सव है जिसको बुद्धिज्म में दीपदान उत्सव कहते हैं, और इसी दिन जो ये लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, इवन मतलब सारे लोग, मोस्टली लोग। लेकिन जिस तरीके से आफ्टर बृहदत्त मौर्य, उसके बाद जो सुंग डायनेस्टी आई, उसके बाद सारा बुद्धिज्म का ख़त्म करवाना विद प्राइस, ये हिस्ट्री पढ़ोगे तो जानेंगे। जो लोग सुन रहे होंगे, मैं जानता हूँ कि वो पक्का मेरी बातों को उसके बाद जाके देखेंगे भी अपनी किताबों में उसमें। तो ये जब अशोक के बाद जब पूरा बुद्ध एक पूरा फैलने लगा, इस देश में अखंड भारत का निर्माण हुआ, उस वक्त अखंड भारत बना, तो तब लास्ट जो उनका राजा था बृहदत्त मौर्य, तो उनको मरवाने काम पुष्यमित्र सुंगराज सुंग डायनेस्टी बनी, जिसका जो राम का कॉन्सेप्ट लिया था वो वहीं से लिया जाता है, जो मैथोलॉजिकल करेक्टर है वो वहीं से करेक्टर लिया जाता है। तो वो तो उस पुष्यमित्र सुंग ने एक पूरे लार्ज नंबर में बौद्धों को मरवाया, पहले बृहदत्त मौर्य को मरवाया, उसके बाद पूरे बौद्धों को मरवाया। उसके बाद इतिहास जो चला कि वहाँ से सारा कल्चर अप्रोप्रिएट होता रहा, वहाँ सब कुछ ये लोग हाईजैक करते रहे। इवन अभी क्या चल रहा है, देखो एक मैं इसको समझा दूँ, दीपदान पे भी आऊँगा जो आपने सारा बताया, लेकिन इससे पहले पीछे का समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जितने ये लोग कहते हैं कि मस्जिद के अंदर मंदिर है, हम कहते हैं कि मंदिर को भी खुदवा, उसके अंदर बुद्ध निकलेगा, ये गारंटी है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन जो संस्कृति है वो तो 5000 साल पुरानी संस्कृति है ना। देखो वैदिक काल से पहले भी संस्कृति 3000 साल पुरानी है, वैदिक काल के बाद चेंज हुआ, लेकिन वैदिक काल से पहले की जब आर्यन इन्वेजन की बात करेंगे हम, ये जो पॉपुलर प्रोपेगेंडा मतलब सबसे ज़्यादा चैन में, पहले 5000 पुरानी संस्कृति बताते हैं, ऐसा कुछ लिखित रूप से कहीं नहीं है। ऐसा तमाम कुछ पहले कबीले में लोग रहते थे, अपने एक झुंड में यहाँ के मूल निवासी लोग रहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि आर्यन इन्वेजन जब हुआ, जब यहाँ के यूरेशियन लोग, मिडिल ईस्ट के लोग, यूरेशिया के लोगों ने यहाँ का भारत को इन्वेट किया, आक्रमण किया यहाँ पे, उसके बाद पूरा कल्चर धीरे धीरे एजुकेशन पे, सबसे पहले किसी जो एजुकेशन पे दबाव बना लिया, एजुकेशन सिर्फ एक वर्ग को दे दी, उसका जब सालों 1000 साल हो गए, 2000 साल हो गए, तब जाके ये कल्चर बना। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं उससे पहले बताया बृहदत्त मौर्य, वो भी 2000 साल पहले की बात है। लेकिन वो तो 5000 साल पहले की बात है। 5000 नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ दिखाइए, प्रमाण दिखाइए 5000 साल। लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोग मानते हैं ना आफ्टर। अरे आस्था क्या है बताइए, अगर किसी की आस्था ये है कि मैं इसको दबा दूँ, अगर किसी की आस्था ये है कि मैं महिला को दबा के ही जीऊँगा, तो कैसी आस्था वो, किसकी। लेकिन आप शास्त्र उठा के देख लीजिए, शास्त्रों तक में लिखा हुआ है। देखो मुझे दिखाइए शास्त्रों में क्या है, मैं तो इसको सब मैथोलॉजी करेक्टर समझता हूँ एकदम, जो बनाए गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को, यहाँ के तमाम जो मूल निवासी लोग हैं, जो बहुत तबके लोग हैं, उनको दबाने के लिए बनाए गए, और कुछ नहीं है। दिखाइए शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है आप सब जानते हैं, और इसमें रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ सब जानते हैं। मैं दोहरा दूँ एक बार कि मतलब जो लोग मनुस्मृति में जो लिखा गया, मैं संस्कृत एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हिंदी का ट्रांसलेशन बता देता हूँ, कि जो लोग मंत्रों और वेदों का सुनेंगे भी, शूद्र होंगे, शूद्र कम्युनिटी के होंगे, शूद्र मतलब आज के OBC लोग, और अतिशूद्र आज के SC ST लोग, आदिवासी और SC लोग, तो जो अगर इन चीज़ों को, अगर वेदों का सुन भी लिया, लोगों ने चैंट कर लिया, मुंह से उसको बड़बड़ा दिया या देख लिया उनकी वो, तो उनकी आँखों, ये मैं नहीं बोल रहा, उनके कानों में पिघला कर शीशा डला दिया जाएगा। इट इज़ नॉट, मतलब मैं ऐसे बोला कि व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हुई है, ये लिखा हुआ है। और रामचरितमानस का भी एक कोट जो अभी बहुत वायरल हुआ था, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री था, उनके बयान के बाद कि नारी और शूद्र सिर्फ तारण के अधिकारी, हाँ।
तो ये सारी चीज़ें जो उनके वेदों और शास्त्रों में हमको पता है क्या लिखा हुआ है, पूरा पूरा इंसानियत के खिलाफ चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ के बहुत तबके लोगों के खिलाफ चीज़ें लिखी गई हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने भी तो इसका मतलब समझाया था ना। कब समझाया, दिखाइए। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने भी इसका मतलब समझाया था और पूरा बताया गया था इसके ऊपर भी। देखो, हम इस देश के सबसे पहले अच्छे से हिंदी जानते हैं, वो ऐसा नहीं है संस्कृत को, हाँ मतलब पढ़ मतलब हिंदी से रिलेटेड है, लेकिन तारण का मतलब तो सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ बोल दे कि मैं तो उस चीज़ में बोल रहा हूँ, मैं तो ये सब बोली नहीं, मैं तो ताड़ने का मतलब बोल रहा हूँ। ताड़ने का मतलब ये होता है, ये क्या होता है, मैं बोल दूँ कि मैं उस व्यक्ति को ताड़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? मैं आम जनता जानती है, मैं जनता सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताइए कमेंट में बताइएगा कि क्या होता है ताड़न का मतलब, क्या होता है ताड़ने का मतलब? सीधा होता है कि ताड़ना, खासकर महिलाओं को, जिस तरीके आज के इस पितृसत्तात्मक समाज में जो चीज़ें बोली जाती हैं, इस ब्राह्मणवादी समाज में जो चीज़ें बोली जाती हैं, तो हमको सीधा, हमको योगी आदित्यनाथ ना समझाए कि तारण का मतलब क्या है, हमारा हिंदी का और संस्कृत का टीचर तो ना बने वो, हम पढ़ लिख कर अच्छे से आए हैं। तो आप लोगों को संस्कृत नहीं आती, तभी तो उन्होंने पूरा समझाया था हिंदी में। अरे किसने कहा संस्कृत नहीं आई, बाबा साहब अम्बेडकर को जाके पढ़िए, जानिए तब पता चलेगा कि सारे वेदों का ज्ञान लेके बैठे, तभी उसके बाद ही देखो आप अगर कुछ चीज़ बोल रहे हैं ना, हम मैं कुछ चीज़ अगर बोल रहा हूँ तो उसका पूरा जिम्मेदार हूँ, उसके बाद इसके तर्क पे, इसके फैक्ट्स पे बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक अम्बेडकर वाली रेशनल और साइंटिफिक इंसान मानता हूँ। मैं सीधा मीडिया में बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ पे आराम से बैठ के बहस करने को तैयार हूँ, किसी को ऑफेंड लगे, ये सारे वर्ड मेरे नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम मानते हैं, तो उनसे जो आइडिया है, जो एक समाज को बदलने का आइडिया, एक ऐसा आइडिया, एक कि जहाँ सारे लोग एक साथ आराम से प्यार मोहब्बत से एक बराबरी में रह सकें, जहाँ आप और मुझ में कुछ फ़र्क ना हो, जहाँ एक ब्राह्मण बैठा हो या एक शूद्र बैठा हो उसमें कोई फ़र्क ना हो, वो जो हमारा समाज का आइडिया वो है ना, उस आइडिया के बीच में अगर ऐसी चीज़ें आएंगी जो बोलेगा कि नारियों को ताड़ना है, उसके तो काउंटर करेंगे, उसको तो हम मारेंगे अपने विचारधारा से, संवैधानिक तौर पर सहेंगे नहीं, क्योंकि आज क्योंकि हम वो वाले, अब वो नहीं हो गए ना कि हमको, कि बाबा साहब अम्बेडकर हमको बहुत अधिकार मिल गए, तो अधिकारों को यूज़ करना, यूनिवर्सिटी में आना, यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना, पढ़कर अपने राइट को असर्ट करना, बताना कि ये हमारे राइट है, वी हैव दिस राइट। तो एक सीधी बात बहुत कि बोलते हैं कि अगर हम ये सब बोल रहे हैं, आज हम दीपदान उत्सव के बारे में बोल रहे हैं, तो हम उनके धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं। उसमें 1995 जब BSP सरकार थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तब सच्ची रामायण एक किताब थी पेरियार की, उससे जब बैन हटा था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बयान है कि अगर हमारे साथ खिलाफ, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं बीच में, तो इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि हम तुम्हारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे धर्म में खोट है, उसको सुधारिए। तो आज जो आप यहाँ पे एकत्रित हुए थे, मतलब पूरा मार्च निकाला था, किस चीज़ के ऊपर था, पूरा बताइए। ये देखो एक सामाजिक जागरूकता भी थी, अपने संविधान को बचाने का मार्च भी था, और ये अपने एक फेस्टिवल को अच्छे से मनाने का भी मार्च था, क्योंकि संविधान कैसे खतरे में आ गया। अरे आप देखिए 15 अगस्त के बाद वहाँ के जो आर्थिक सलाहकार है मोदी के, क्या बोला उसका बयान क्या था, संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान को ये कर देना चाहिए, तो ये इसका मतलब एक ऑफिशियल जो पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, खासकर प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार पर्सनल, और वो व्यक्ति बोल, मैं इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बुलवा रहे हैं ऐसे लोगों से। योगी आदित्यनाथ तो सीधा बोलता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या मतलब है, क्या मतलब है जब हिंदू राष्ट्र, यहाँ के जब 85% लोग बहुजन है, और बहुजन लोगों को कभी भी हिंदू नहीं माना गया, तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे, या तो तुम चाह रहे हो कि 10% लोग हिंदू राष्ट्र बना दें, ये तो कभी नहीं होने देंगे। जब तक इस देश में अम्बेडकरवाद जिंदा है, जब तक हम जैसे लोग जो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस चीज़ को अच्छे से इस ग्राउंड पर तमाम जनता को बताते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से तो जनता तो खुश नज़र ही आ रही है। कैसे आ रही है, आप खुश हो हिंदू राष्ट्र पर बताइए, क्या महिलाएं खुश हैं बताइए? मैं तो कहता हूँ जितने भी ये कंजर्वेटिव धार्मिक संस्थान है, सबसे ज़्यादा आप एक महिला हो, आपके आपके व्यू से बता दूँ कि सबसे ज़्यादा तो ये धार्मिक संस्थान है, कोई सा भी हो, सबसे ज़्यादा महिलाओं के विरुद्ध है, वो नहीं चाहता कि वो मर्दों के हाँ में हाँ मिला सकें। ये तमाम चीज़ें गली मोहल्ले में देखती होगी ना, एक लड़का बोल दे तो ठीक है, एक लड़की ने बोल दिया तो बाप रे क्रांति हो गई, अरे बाप रे बहुत कुछ बोल दिया, ऐसे कैसे बोल सकती है? तो ये सीधी बात है कि आप खुश हैं हिंदू राष्ट्र से, तमाम इस देश का 85% वर्ग खुश है, कोई खुश नहीं है, सिर्फ ये सत्ताधारी लोग, ये कुर्सी पर बैठे लोग हैं जो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, कर भी नहीं पाएंगे ऐसा, हमारे रहते कभी नहीं कर पाएंगे, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, खासकर लोग तो उनकी बातों में आ जाते हैं आराम से। देखो ये भी देखना पड़ेगा कितने परसेंट लोग, हमारे पास 85% लोग हैं, हमारे पास बहुजन लोग, और हम उन्हीं चीज़ में काम कर रहे हैं। कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
तो हम उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लांट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष जी, तो इन्होंने किस तरीके से जो भी बताया, आप उनकी बात से कितना सहमत है मैं ज़रूर बताइएगा, और देखते रहें जनता आवाज़।